Hey everyone, welcome back to my YouTube channel प्रगति झा ब्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है और मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल कान्हा जी का दर्शन करने के लिए। और मैं ये बात आप सभी को जरूर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, कल वाले ब्लॉग में जरूर आएगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं इस्कॉन टेम्पल, तो आप सभी को दिखाती हूँ कि यहाँ दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल कैसा रहता है। तो मैं यहाँ इस्कॉन टेम्पल जाने से पहले यहाँ पौधों में पानी डाल दूंगी, क्योंकि मुझे ध्यान पे आया कि आज मैं पानी नहीं डाली हूँ क्योंकि काफ़ी धूप था, तो सारे पौधे हमारे मुरझा जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने पौधों में पानी डाल दूंगी, उसके बाद मैं मंदिर के लिए निकलूँगी। तो मैं रेडी हो चुकी थी, फिर उसके बाद मुझे ध्यान पर आया था कि पानी नहीं डाली हूँ आज मैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निकल चुकी हूँ मंदिर के लिए बाबू को ले कर। और जब भी बाबू को बाहर ले जाती हूँ, बाबू काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि पूरे दिन ये भी मेरे साथ कमरे में बंद रहता है। तो हमारे हस्बैंड जी हमें बुला रहे थे कि जल्दी से आ जाओ और चलो चलते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दुर्गा पंडाल लग रहा है और मैं यहीं पे आती हूँ खोंइच भरने के लिए। तो स्टार्ट हो चुका है सारा साज सजावट यहाँ का, और बहुत ही अद्भुत दुर्गा पूजा यहाँ होता है। आप सभी को देखने को मिलेगा यहाँ वाला सीन कि किस तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, कौन गाड़ी पार्क कर दिए हैं और बाबू के पापा हमारे हस्बैंड जी। और यहाँ पे फ्रेंड, ये वो मंदिर है जहाँ पे मैं पहली बार ब्लॉगिंग शुरू की थी, मेरा पहला ब्लॉग यहीं से शुरू हुआ है। तो फ्रेंड, ये ख़ास जगह है मेरे लिए और मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इस्कॉन टेम्पल ज़रूर आती हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पे पानी का व्यवस्था किया गया है इस तरफ से, जहाँ पे लोग आते हैं तो अपना हाथ धोते हैं उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ हाथ धोने के लिए। बाबू का भी हाथ धुलवा दूंगी क्योंकि कई बार मुंह में ले लेता है ये, तो इसका भी मैं हाथ धुला दे रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी भगवान जी के भजन में शामिल हो जाइए। इस्कॉन टेम्पल में भगवान जी हैं जो कान्हा, उनके दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लाइन में लग गई हूँ भगवान जी का दर्शन करने के लिए। तो इधर से जाके सामने से भगवान जी का अच्छे से दर्शन हो पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही सुंदर यहाँ सजा हुआ है पूरा मंदिर, बहुत ही प्यारा लग रहा है और भगवान जी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन में लगी हूँ और सामने से दर्शन करूँगी मैं, और कई लोग यहाँ पर परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी दर्शन कर लीजिए यहाँ पर कान्हा जी का, हमारे जो कृष्णा हैं उनके। तो मैं यहाँ पे दर्शन करके आ गई हूँ मंदिर से बाहर, और बाबू यहाँ चलता हुआ बाहर आ रहा है खुद से।
धीरे धीरे करके चल रहा है ये। और यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं जो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है, आप देख सकते हैं ऊपर पिक्चर लगा हुआ है, तो उन्हीं रथ का जो पहिया होता है वो दिया गया है इस्कॉन टेम्पल को। और यहाँ पे ये इसको बहुत ही अच्छे से सजा के यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे दीपक जलाया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ शॉप में, जो कान्हा जी का सामान यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे कान्हा जी के ड्रेस, माला, सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं इस्कॉन में। ये छोटे छोटे दो तीन शॉप हैं जिसमें सारी ही कान्हा जी के ही ड्रेस वगैरह मिलती हैं। तो मैं यहाँ से गोपी चंदन वगैरह यहीं से लेती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड दिखाती हूँ आप सभी को कि कितना ही सुंदर यहाँ पर राम, सीता, लखन, हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर मूर्ति टाइप का बना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं कान्हा जी को मैया ने बांध रखा है, वो फोटो सब था। और लड्डू गोपाल सब बहुत लोग यहाँ से लेते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल यहाँ पे थे, मालाएं थी। तो जो भी मेरे ज़रूरत का था मैं यहाँ पे से ले जाऊँगी, कि मैं जब भी इस्कॉन आती हूँ तो जो मेरे सामान का रहता है, मेरे कान्हा का सामान जो मुझे चाहिए रहता है, मैं यहाँ ले लेती हूँ। यहाँ मैं जगन्नाथ जी का एक फ़ोटो लूँगी, मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे बहुत सारी सामान मिलती है, बुक सब जो है वो बहुत ही भक्ति भजन वाली सारी मिलती है। और यहाँ पे गोपी ड्रेस है, और कई लोग यहाँ से लेते भी हैं, जैसे आप कीर्तन में देखे होंगे तो गोपी ड्रेस पहन के सभी कीर्तन भी करते हैं, और बहुत ही प्यारा लगता है ये। यहाँ पे फूल वगैरह मिलता है जो भगवान जी को चढ़ाया जाता है, माला, फूल, नारियल, प्रसाद अंदर ही मिलता है यहाँ पर। और हम लोग दर्शन कर लिए हैं फ्रेंड, और निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं हम। और फ्रेंड यहाँ पे काफ़ी बड़ी मंदिर का निर्माण हो रहा है, साइड में आप सभी को दिखाती हूँ, काफ़ी बड़े पैमाने पे काम चल रहा है मंदिर का, और बहुत ही विशाल मंदिर तैयार हो रहा है। आप सभी को मैं दिखाती हूँ, ये मंदिर है, अभी अंधेरा है, साफ नहीं दिख रहा है, कभी साफ सवेरे में दिखाऊंगी आप सभी को। इसके बाद फ्रेंड्स मैं घर पहुँच गई, और मैं बनाई कॉफ़ी, और दोनों जने बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मैं पूछ रही थी कि रात में क्या खाने में बनाऊँ, तो इनका कहना था कि बेडमी पूरी और आलू टमाटर की सब्जी बना लो, आप बहुत टेस्टी बनाती हो। तो मैं भी हामी भर दी, और दोनों जने यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं इसके बाद आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए चली जाऊँगी। आलू को मैं बॉईल करके रख दी हूँ, और यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल में ये सब्जी तैयार करूँगी। और बेडमी पूरी के लिए मैं मिक्स जो आता है बेडमी पूरी का आटा, तो मैं ले आई हूँ। मसाला मिक्स पाउडर आता है, जो मेरे हाथ में अभी पाउच था वो ये उसी का था, तो मैं इसी से बना लेती हूँ। और मैं आप सभी के साथ जो बेडमी पूरी का जो आटा तैयार किया जाता है उसका रेसिपी मैं ज़रूर एक दिन शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं डाल दी हूँ रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं इसमें डाल दूँगी राई और तेज़पत्ता, दो टुकड़ा डाल दी हूँ मैं। जैसे ही ये चटक जाएगा, इसमें कोई भी ज़्यादा मसाला और प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ मैं, यहाँ पर मैं थोड़ी सी हींग डाल दी हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और साथ साथ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं यहाँ बालकनी में भी चली जाती हूँ थोड़े थोड़े टाइम के लिए। और यहाँ पे मेरा जो यहाँ राई और मैं तेज़पत्ता डाल रखी थी कढ़ाई में, वो पक गया था, चटक गया था राई, और मैं गैस बंद कर दी हूँ। उसके कुछ सेकेंड के बाद या फिर एक मिनट के बाद मैं सारा मसाला डाल लूँगी ताकि ये जले ना। और मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर को घिस के रख ली थी, वो भी डाल दूँगी मसाला डालने के तुरंत बाद, और दो मिनट तक इसको अच्छे से चलाते हुए भून लूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं, तो इस तरीके से मैं भून लूँगी सारे मसाला और टमाटर के प्यूरी को। और यहाँ पे मैं बेसन डाली फ्रेंड, इसे छान के ही आप भी डालिएगा, जिससे क्या होता है कि इसमें ना गांठें नहीं पड़ती, कोई भी लम्स नहीं रहता इसमें, और बहुत अच्छी तरीके से ये घुल जाता है। और यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून और ले ली, तो यहाँ पर मैं डेढ़ चम्मच पूरे डाली हूँ बेसन, आप बेसन कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, और खुशबू आने लगती है। यहाँ पे जो भी बॉयल आलू था मेरा वो मैं डाल दे रही हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी एकदम मसलते हुए चलाते हुए। और यहाँ पे डाल दूँगी मैं कस्तूरी मेथी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें धनिया से ज़्यादा टेस्ट आता है कस्तूरी मेथी का। और मैं यहाँ डाल रही हूँ गर्म पानी, तो आपको दिख रहा है लिक्विड की तरह, लेकिन ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है क्योंकि ये आलू है और उसमें बेसन है। तो मैं इसी टाइम पर गैस को कर दूँगी बंद, और आप सभी देख सकते हैं कितना गाढ़ा सा तैयार हो गया है ये। तो मैं इस टाइम में गैस बंद करके इसे उतार दूंगी गैस चूल्हे से, और मैं यहाँ पे बेडमी पूरी तल लूँगी। और इस आटे को मैं सेम जैसे गेहूं का आटा हम गूंथते हैं उसी तरीके से मैं गूंद ली हूँ, बस एक
चम्मच घी बस डाली हूँ इसमें, तो डाल के मैं अच्छे से इसको मसल के गूंध ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरी को ना तो ज़्यादा पतला बेलें ना ही मोटा, और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।